भारत हमेशा से शूरवीरों की धरती रही है। एक से एक योद्धा जन्म दिए हैं इस देश की मिट्टी ने। जितने योद्धा उतने ही हथियार बने हैं इस देश में। आज भले ही बम और मिसाइल के दम पर किसी सेना की ताकत आकी जाती है, लेकिन पहले के जमाने में वही सेना ताकतवर मानी जाती थी जिसके पास शस्त्र और अस्त्र चलाने में माहिर योद्धा होते थे। योद्धाओं को क्षमता से अधिक ताकतवर बनाने वाला एक ऐसा ही हथियार था दांडपट्टा, जिसे अंग्रेजी में गौटले तलवार भी कहा जाता है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू पड़ाव फाउंडेशन। मेरा नाम है सागर इंदाने और आज हम इसी गौटलेट तलवार यानी कि दानपट्टा के बारे में जानेंगे। यह हथियार किसी समय में मराठा योद्धाओं का पसंदीदा हुआ करता था। वैसे तो एक तरह की तलवार ही है, लेकिन अन्य तलवारों के मुकाबले इसकी तेजी बेहद ज्यादा है। भारत में आविष्कार हुआ दानपट्टा दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक है, जिसे मराठाओं का हथियार भी कहा गया है। यह हथियार एक बार में कई दुश्मनों के सर धड़ से अलग कर सकता है। शिवाजी महाराज भी इसे चलाने में माहिर थे। मराठा योद्धाओं के पास इस शस्त्र को चलाने का बहुत ज्यादा अनुभव था। इस तलवार की ब्लेड आम तलवार से ज्यादा लंबी और लचीली होती है, जिसे मोड़ना बहुत ही कुशल का काम है। बहुत अधिक कौशल और अभ्यास वाला व्यक्ति ही इस ब्लेड को ठीक से मोड़ सकता है। बता दें कि दानपट्टे में पट्टे की लंबाई 5 फीट तक होती है, जिसमें ब्लेड 4 फीट तक लंबी होती है। इसके अलावा इसमें एक हैंडल लगा होता है जो 1 फीट लंबा होता है। इसका ब्लेड बेहद लचीला होता है, लेकिन लचीला होने के बावजूद ये काफी तेज होता है। इस तलवार को एक और चीज खास बनाती है और वो है इसका हैंडल। आम तलवारों में जहाँ हैंडल की तरफ हाथ बिना ढके होते हैं, वही इसका हैंडल पूरी तरह से ढका हुआ होता है। इससे दुश्मन के वार से हाथ पर हमला होने का खतरा नहीं रहता। ऐतिहासिक ग्रंथों या दस्तावेजों में भी दानपट्टा के उपयोग का वर्णन किया गया है। माना जाता है कि जीवा महल्ले ने दानपट्टा का इस्तेमाल सैयद को मारने के लिए किया था और बाजी प्रभु देशपांडे ने पावन खिंडे में लूटपाट को रोकने के लिए दानपट्टा का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। इस हथियार को भारी बख्तरबंद घुड़सवार सेना के खिलाफ पैदल सैनिकों के लिए एक अत्यधिक प्रभावी हथियार माना जाता था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सेनापति बाजीप्रभु देशपांडे को दानपट्टा के उपयोग में प्रतिष्ठित रूप से प्रतीक्षित किया गया था। जब मुगल अफजल खान के अंगरक्षक बड़ा सैयद ने प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी महाराज पर तलवारों से हमला किया, तो शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवा महल्ले ने उन्हें बुरी तरह से मारा, जिससे बड़ा सैयद का एक हाथ दानपट्टा से कट कर दिया गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही ऐतिहासिक फैक्ट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।